देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के छोटी खाटू से है, जहां निकटवर्ती ग्राम खुड़ी की बाबा रामदास गौशाला में गायों के हितार्थ के लिए विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गोभक्तों ने गायों के लिए 35 लाख के लगभग योगदान दिया। जागरण का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। बाद में संत शोभा रामदास महाराज व सोनदास खुड़ी ने गाय की महिमा का वर्णन बताकर 1 लाख रुपयों का गायों के लिए योगदान दिया। डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने कहा कि ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि गौमाता के चारे पानी की व्यवस्था बनी रहे और गौमाता इधर उधर रोड पर नहीं घूमे, गौशालाओं में रहे और उसकी सेवा हो सके। चेतन डूडी ने गायों के लिए 1 लाख का सहयोग किया। भजन गायक व गोभक्त ओम मुंडेल एंड पार्टी ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया, लोगों को गाय की सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में से पूर्व शोभाराम महाराज, डीडवाना विधायक चेतन डूडी, जिला परिषद सदस्य हरिराम कुर्डिया, रामनिवास कुर्डिया, सरपंच पावा, कर्नल नंदकिशोर ढाका, रणवीर सिंह राठौड़, सरपंच छोटी खाटू प्रकाश भाकर, सरपंच जूसरी व जिला अध्यक्ष नागौर दुर्गाराम चौल, प्रधान प्रतिनिधि डेगाना मेगाराम दंसूलिया, पूर्व सरपंच छोटी खाटू लक्ष्मण सिंह राठौड़ सहित जनप्रतिनिधियों का आयोजन समिति के सदस्यों ने माला व सांपा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान क्षेत्र के आसपास के गांवों के गोभक्त मौजूद रहे। छोटी खाटू से गौतम सोनी की विशेष रिपोर्ट।